तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। तो भाई, जैसे कि पता है कि अगले महीने बड़े बड़े भाई की शादी है। तो बड़े भाई की शादी है तो भाई अभी पूरे कमरों की धुलाई चलेगी, पूरे कमरों में पेंट होगा, तभी छत में जो बेले हैं वो भी काट रहे हैं, और छत में थोड़ी सी प्लास्टर करवाना है वो भी करवा रहे हैं, और सारी सारी बेले काट दी भाई, लौकी कद्दू बद्दू पद्दू जो भी था। तो पानी, एक बड़ी बाल्टी में पानी रखता हूँ, जो किचन के जो जालियाँ होती हैं उनमें पूरा मतलब ऑयल ऑयल लग जाता है ना, एग्जॉस्ट एग्जॉस्ट से। तो चलो अभी मिलता हूँ थोड़ी देर में मैं आपको। इतनी सारी सब्जियाँ लग गई, पालक, धनिया, मेथी, मिर्च, हल्दी, अदरक, लहसुन। ये लहसुन दोबारा लग गए, देख रहे हो भाई, ये मेरा गार्डन देखो, A1 गार्डन है मेरा। ये प्याज लगे हैं, ये पौधे हैं, हाँ ये मिर्चियाँ, और ये मिर्चियों के बड़े बड़े पौधे। तो दिखाऊंगा आज, देखो कितने सारे कपड़े धोने हैं मेरे को। अभी आधे तो मैंने डाल लगे हैं, धोबी बना दिया मेरे घर वालों ने मेरे को, बिल्कुल धोबी बना दिया। पर्दे अभी तो नीचे से तो 1% भी नहीं है नीचे से लाए हुए, अभी तो बहुत धोने हैं यार, मतलब धोबी बना दिया घर वालों ने मेरे को। तो चलो आज मैं धोता हूँ यार, लेट हो जाता हूँ वरना लेट हो जाऊँगा, मतलब जल्दी जल्दी धोता हूँ। जैसे कि मैं कह रहा था कि बालों को जो 3000 वाली दवाई लाए थे वो भी काम में नहीं आई, देखो फिर से हो गया इसके। अब जो बाल है ना, बालों की वजह से अब इसके नज़र नहीं आ रहा, तो अब देखो इसको ना दर्द हो रहा होगा, पूरे पीले पीले हो गए इसके पैर में, फिर से दाने हो गए हैं फिर से, देखो देख रहे हो, देखो 3000 की दवाई लाए उससे भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ इसको। हेलो हड़ी, चाटना नहीं, चाटना नहीं, मारो थाले को, मैं ध्यान रखना, मारो थाले को, अगर चाटेगा तो इसके दाने हो गए ना, इसको जलन पड़ रही होगी, तभी दर्द हो रहा होगा इसको यार, पता नहीं क्या हो रहा है, कितनी दवाइयाँ लगा दी, क्या लगा दिया, ठीक ही नहीं हो रहा है। नहीं यार, क्या हो गया भालू को यार, इतनी महंगी महंगी दवाइयाँ ला के भी ठीक नहीं हो रहा, खाली में दवाइयाँ भी बर्बाद, इसकी तबीयत भी ख़राब, ठीक और नहीं हो रहा है, पता नहीं यार क्या हुआ यार इसको, डॉक्टर को भी नहीं पता चल रहा है, डॉक्टर भी कुछ नहीं कर पा रहा भाई, 6 महीने हो गए, हद है यार, 3000 की दवाई ला के भी खिला दी, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है इस बेचारे को।